हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसु एंड लेट्स कंटिन्यू चैप्टर फोटोसिंथेसिस पार्ट 12। ओके एंड इन दिस लेट्स डिस्कस अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। देखिए बिफोर दैट वी डिस्कस अबाउट द C4 साइकिल, C3 साइकिल एज वेल एज कैम पाथवे। ओके नाउ फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन इट मीन्स वी नो द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में? फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। बट फोटो रेस्पिरेशन इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके व्हाई इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस? बिकॉज इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बट इट डजंट रिलीज एनर्जी। इज दैट क्लियर? फोटो रेस्पिरेशन अप्रोक्सीमेटली वही है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बट डजंट प्रोड्यूस एनर्जी। ओके यानी एक तरह से फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, फूड ब्रेकडाउन भी हो रहा है, बट इसमें किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। ओके हैंस इट इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ओके फर्स्ट टाइम द वर्ड वॉज गिवन बाय द क्रोटकॉव इन 1963। ओके सबसे पहले ये वर्ड किसने दिया था? क्रोटकॉव ने दिया था 1963 में। ओके सो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन तो होता है बट किसी भी तरह की एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ओके और फोटो रेस्पिरेशन तीन ऑर्गेनल्स में मेनली टेक्स प्लेस करता है, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ये एज ए यूनिट ऑर्गन काम करते हैं और इन्हीं के अंदर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके इसके बाद देखिए डिस्कस करते हैं C2 साइकिल या वारबर्ग इफेक्ट। ओटो वारबर्ग ने सबसे पहले एक इफेक्ट नोटिस किया था। इन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट हो जाती है, ऑक्सीजन यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन रिड्यूस द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ओके यू कैन से दैट फोटो सिंथेसिस। ओके इन्होंने क्या कहा कि जब ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो ये रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है। अंडरस्टैंड कैसे डिक्रीज कर देती है? तो देखिए वारबर्ग ने क्या कहा था कि जो रूबिस्को एंजाइम है, ओके हम पढ़ चुके हैं C4 साइकिल में, तो रूबिस्को जो एंजाइम है ये एक्सेस ऑफ CO2 में तो एस कार्बोक्सिलेज काम करता है। एक्सेस ऑफ CO2 में क्या करता है? इट एक्ट एज कार्बोक्सिलेज। इज इट क्लियर? यानी प्रोसेस सेम है, चलता है जैसे आपने C4 साइकिल में देखा था, बट जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो ये एक ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह काम करता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है, जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है तो PGA फॉर्म होने की जगह क्या बनता है? फॉस्फेट ग्लाइकोलेट बनता है। ओके या आप कह सकते हो फॉस्फेट ग्लाइकोलिक एसिड। ये 2 कार्बन एटम का एक कंपाउंड होता है। ओके फॉस्फेट ग्लाइकोलिक एसिड या फॉस्फेट ग्लाइकोलेट होते हैं इसको। अंडरस्टैंड ये क्या है? ये है एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको ग्लाइकोलेट साइकिल बोलते हैं। यानी एक फॉस्फेट ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है एट द प्लेस ऑफ PGA। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ये PGA और अब क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की जगह फॉस्फेट ग्लाइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। इज दैट क्लियर? और इससे क्या होगा, PGA की फॉर्मेशन नहीं होगी। अंडरस्टैंड PGA की फॉर्मेशन नहीं होगी तो CO2 का असिमिलेशन ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा, समझ रहे हैं? यानी जो C2 साइकिल या इसको आप ग्लाइकोलेट साइकिल या इसको वारबर्ग इफेक्ट, बिकॉज सबसे पहले ओटो वारबर्ग ने इसको नोटिस किया था। उसने क्या एक्सप्लेन किया कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज प्रेजेंट देन रूबिस्को एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम, बट इन एक्सेस ऑफ O2 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड। व्हाई इट इज डिक्रीज्ड? बिकॉज इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रूबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। अंडरस्टैंड? एंड इट प्रोड्यूस फॉस्फेट ग्लाइकोलिक एसिड विच इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, हेंस द साइकिल इज नोन एज ग्लाइकोलेट साइकिल और C2 साइकिल, बिकॉज इट इज ए 2 कार्बन कंपाउंड। ओके तो इससे होगा क्या, जो कार्बन है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी उससे क्या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। सो ये क्या है, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं इट इज नोन एज वारबर्ग इफेक्ट। ओके
आप कह सकते हैं सी थ्री प्लांट्स में होता है। तो पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सी फोर प्लांट्स है या सी फोर साइकिल है दे आर मच बेटर देन सी थ्री साइकिल, बिकॉज सी थ्री में क्या होता है, एक फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जो डिस्ट्रक्टिव है, जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, जबकि सी फोर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो फोटो रेस्पिरेशन एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एज सेम है वैसे कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है, बट नील और वी कैन से दैट नो नाइदर एनर्जी प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। ओके, और सेकेंड है ग्लाइकोलेट साइकिल। ओके बेटा, सो कमेंट लाइक एंड शेयर द वीडियो बेटा। ओके, सब्सक्राइब ऑल्सो। हैव ए गुड डे।